नमस्कार साथीहरु, म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु आज नयाँ भिडियो लिएर। र मैले विगतका दिनहरूदेखि नै आयुको बारेमा चाहिँ विभिन्न गाइडेन्सहरू मेरो युट्युब च्यानलमा दिइरहेका छु, होइन, के कस्ताले चाहिँ आयुई प्रिपरेसन गर्ने, होइन, कसरी गर्ने, र म्याथको फिजिक्सबाट चाहिँ म्याथबाट चाहिँ के पढ्नुपर्छ आयुईको लागि, फिजिक्सबाट चाहिँ के पढ्नुपर्छ, है, त्यो सबै मैले भिडियो बनाइरहेका छु। ती सब भिडियोहरूको चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नुहोला। यदि भिडियो तपाईँलाई हेल्पफुल भयो भने चाहिँ तपाईँको साथीहरू जसले आयुई प्रिपरेसन गरिरहेका छ त्योसम्म पनि यो भिडियो पुऱ्याइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र साथै च्यानललाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। र आज चाहिँ आइआईमा चाहिँ हामी केमिस्ट्रीको सिलेबस डिस्कस गर्नेछौँ, है। केमिस्ट्रीबाट चाहिँ हामीलाई टोटल 25 मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ, 25 मार्क्सको चाहिँ केमिस्ट्रीबाट टोटल क्वेसनहरू आउँछ। र फर्स्ट यहाँ के छ भने ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री एन्ड फिजिकल केमिस्ट्रीबाट चाहिँ हामीले के कुरा जान्नु पऱ्यो भने, है, यो चाहिँ भनेको क्लास 11 एन्ड 12 बोथ, है, हामीले 11 12 मात्र पढेर हुँदैन, आइआई प्रिपरेसनको लागि 11बाट पनि आउँछ, 11 एन्ड 12 बोथ के जान्नु पऱ्यो भने सिम्बोल, होइन, फर्मुलेट भ्यालेन्सी एन्ड केमिकल क्वेसन्स, अनि प्रब्लम बेस्ड अन केमिकल इक्वेसन, होइन, मतलब रिलेसन विथ वेट एन्ड वेट, होइन, वेट एन्ड भोल्युम रिलेसन चाहिँ, वेट र वेटको रिलेसन र वेट र भोल्युमको रिलेसनहरू थाहा हुनु पऱ्यो, है। अनि अर्को छ भनेको हाम्रो एटोमिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ स्ट्रक्चर अफ क्याथोड रेज एन्ड द डिस्कभरी अफ द इलेक्ट्रोन्स, है, अनि रदरफोर्स एक्सरे स्केटरिङ एक्सपेरिमेन्ट, है, इम्पोर्टेन्ट छ, है, अनि एन्ड डिस्कभरी अफ न्युक्लियस, रदरफोर्डको मोडल अफ एटम पनि पढ्नु पऱ्यो त्यहाँबाट पनि, अनि इलिमेन्टरी कन्सेप्ट अफ क्वान्टम नम्बर्स, है, अनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ द इलिमेन्ट, अनि इलेक्ट्रोनिक थ्योरी टु भ्यालेन्सीबाट चाहिँ हामीले के जान्नु पऱ्यो भने, के कभर गर्नु पऱ्यो भने, अक्टेट रुल, इलेक्ट्रो भ्यालेन्सी, को भ्यालेन्सी एन्ड कोअर्डिनेट भ्यालेन्सी, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक आयोनिक एन्ड को भ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरू जान्नु पऱ्यो इलेक्ट्रोनिक थ्योरी टु भ्यालेन्सीबाट। र हामीले क्लास 11मा पढेका थियौँ नि, है, डिटेली अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन, है, वेस्टको यहाँबाट चाहिँ हामीले के जानु पऱ्यो भने यसको क्लासिकल डेफिनेसन्सहरू, कन्सेप्ट एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, है, कन्सेप्ट लिएर पढ्ने क्लासिकल डेफिनेसन, अनि इलेक्ट्रोनिक इन्टरप्रिटेसन्स अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन, र ब्यालेन्सिङ अफ रिडक्स इक्वेसन बाई अक्सिडेसन नम्बर मेथोड, यो हेर्नु पऱ्यो, है। अनि अर्को छ पिरियोडिक क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्ट्सबाट चाहिँ हामीले मेन्डेलिफ्स पिरियोडिक्स ल, अनि एनामोलिज अफ मेन्डेलिफ्स पिरियोडिक्स टेबल, होइन, अनि त्यसै गरी मोडर्न पिरियोडिक ल, अनि पिरियोडिक प्रोपर्टिज भिज आयनाइजेसन पोटेन्सियल इलेक्ट्रोको नेगेटिभिटी एन्ड एटोमिक रेडाई एन्ड दियर भेरिएसन इन पिरियोडिक टेबलहरू चाहिँ जान्नु पऱ्यो। र त्यसै छ इक्विभ्यालेन्स वेट एन्ड एटोमिक वेट, एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट, है, इक्विभ्यालेन्ट वेट एन्ड एटोमिक वेट, यहाँबाट चाहिँ हामीले कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट एन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट्स बाई हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथोड एन्ड अक्साइड मेथोड, त्यसै गरी कन्सेप्ट अफ एटोमिक वेट, इक्विभ्यालेन्ट वेट एन्ड भ्यालेन्सी डिटर्मिनेसन अफ एटोमिक वेट युजिङ डुलङ एन्ड पिटिट्स रुल गर्नु पऱ्यो। मेरो प्रोनाउन्सिएसन अलिक विक छ, है, उहाँ लेखेको छु पिटिट्स रुल, यो चाहिँ जान्नु पऱ्यो हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट एन्ड एटोमिक वेटबाट। तपाईँहरू यसको स्क्रिनसट पनि राख्नु, अनि सर र आफैले पनि स्टप गरेर पढ्नु, है, केबाट आउँछ, होइन, कपीमा भरिसक्नु, नोट पनि गर्नु यो टपिकहरू तपाईँहरूले के जान्नु पर्ने हो भनेर। म बिस्तारै, होइन, एक्सप्लेनेसन यो सब टपिकहरूको बिस्तारै मैले सके जति एक्सप्लेनेसन पनि मेरो युट्युब च्यानलमा हाल्दै जानेछु। यो पछाडि चाहिँ अब म इङ्ग्लिसको सिलाबस, इङ्ग्लिसबाट पनि 20 मार्क्सको हुन्छ, यो इमेज सोधिन्छ, इङ्ग्लिसको सिलाबस तुरुन्तै अपलोड गरिहाल्छु, र त्यस पश्चात हामी पढ्न थाल्छौँ, है त, ल। मोलिकुलर वेट एन्ड मोल, यहाँबाट चाहिँ अभागार्डोस एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट, है, अभागार्डोस हाइपोथेसिस एन्ड इट्स डिडक्सन, होइन, अभागार्डोस नम्बर एन्ड कन्सेप्ट अफ मोल, होइन, डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर वेट बाई भिक्टर्स मेयर मेथोड, है, 12मा भिक्टर्स मेयर मेथोड, याद आउँदै जान्छ, भर्खरै पढ्यो हो नि त। अनि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट इलेक्ट्रोलाइट्स एन्ड नन इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स एन्ड विक इलेक्ट्रोलाइट्स, फेरेडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, होइन, अनि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल एन्ड इट्स एप्लिकेसन इन क्वालिटेटिभ एनालाइसिस, र
थ्योरीज अफ एसिड एंड बेसिस आरएनएस थ्योरी है अनि ब्रोन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी एंड लुइस थ्योरी एकदम जान्नु पर्यो है। अनि त्यस पछाडी भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस इक्विवेलेंट वेट अफ एसिड्स अनि एसिड्स बेस एंड साल्ट्स है प्रिंसिपल अफ एसिडिमेट्री एंड अल्कालीमेट्री पीएच एंड पीओएच स्केल को बारे में जान्नु पर्यो। नॉन मेटल्स बट वाटर हेर्नु वाटर बड़ हार्ड वाटर एंड सफ्ट वाटर कजेस एंड रिमूवल अफ हार्डनेस अफ कजेस एंड रिमूवल अफ हार्डनेस अफ वाटर अनि नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड नाइट्रोजन साइकल प्रिपरेशन अफ एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड इन द लैब है प्रिपरेशन अफ एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड हई लैबोरेटरी प्रिपरेशन अनि एंड देयर प्रोपर्टिज इन प्रोपर्टिज भी मैनुफैक्चर अफ एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड हई मैनुफैक्चर भित्ति इंडस्ट्रियल रूप में एकदम व्यावसायिक रूप में धेरे पारा लैब में थोड़े होना मैनुफैक्चर भित्ति इंडस्ट्रियल रूप में बुझ्नु पर्छ है। सल्फर एंड इट्स कंपाउंड अनि अलोट्रोपी अफ सल्फर है प्रिपरेशन अफ हाइड्रोजन सल्फाइड है सल्फर डाइऑक्साइड इन द लैब एंड देयर प्रोपर्टिज अनि मैनुफैक्चर अफ सल्फ्रिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस त्यसैगरी हेलोजन एंड देयर कंपाउंड्स बड़ हमें पोजिशन अफ हेलोजन्स इन द पीरियोडिक टेबल अनि प्रिपरेशन अफ क्लोरिन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड इन द लैब प्रिपरेशन अफ क्लोरिन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द लैब अनि एंड देयर प्रोपर्टिज जान्नु पर्यो। र मेटल्स बड़ हामी हेरौं कंपाउंड अफ मेटल बड़ जेनरल मेथड अफ प्रिपरेशन एंड प्रोपर्टिज अफ अक्साइड्स हाइड्रोअक्साइड्स क्लोराइड्स नाइट्राइड्स है अनि सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स अफ दी कार्बोनेट्स अफ मेटल ये जान्नु पर्यो। र अझै छ मेटल बड़े है केमिस्ट्री को अलग धेरे मैथ को सबसे थोड़े लग्स मैं हाई तर प्रैक्टिस धेरे अभी सोडियम बड़े एक्सट्रैक्शन अफ सोडियम यो डाउन्स प्रोसेस हाई एक्सट्रैक्शन अफ सोडियम से डाउन्स प्रोसेस एकदम इंपोर्टेंट अभी मैनुफैक्चर अफ कास्टिक सोडा एंड सोडियम कार्बोनेट त्यसैगरी कपर बड़े एक्सट्रैक्शन अफ कपर फ्रम कपर पाइराइड अभी इंपोर्टेंट मैनुफैक्चर अफ ब्लू भाइट्रोल हाई अभी जिंक बड़े हमीर एक्सट्रैक्शन अफ जिंक फ्रम जिंक्स ब्लेंड अनि गैल्वनाइजेशन हेर्नु पर्यो। त्यसैगरी आइरन को एक्सट्रैक्शन अफ कास्ट आइरन फ्रम दी हेमिटाइट हेमिटाइट आइरन को है कास्ट आइरन स्टील एंड रउट आइरन टाइप्स अफ स्टील्स है मैनुफैक्चर अफ स्टील हेर्नु पर्यो। अब अर्गानिक केमिस्ट्री यसमें हाई आइरन के अर्गानिक केमिस्ट्री सोर्सेस एंड प्युरिफिकेसन अफ अर्गानिक कंपाउंड सोर्स अफ अर्गानिक कंपाउंड प्युरिफिकेसन अफ अर्गानिक कंपाउंड त्यसैगरी यहाँ छ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर अफ अर्गानिक कंपाउंड्स बड़ अब अर्गानिक तीर आयो है फंक्शनल ग्रुप थाहनु पर्यो होमोलोजस सीरीज थाहनु पर्यो आइसोमोरिज्म थाहनु पर्यो है स्ट्रक्चरल मात्र थाहा भयो भने आइसोमोरिज्म को हुन्छ है अनि क्लासिफिकेशन अफ अर्गानिक कंपाउंड्स कमन नेम्स एंड आईयूपीएसी आईयूपीएसी नेमिंग आउनु पर्यो है आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम आउनु पर्यो अनि नोमेनक्लेचर आउनु पर्यो है अनि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड एटोमिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स सरी एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रिपरेशन एंड प्रोपर्टीज अफ मिथेन प्रिपरेशन एंड प्रोपर्टी अफ इथाइलिन एंड एसिटाइलिन हाई अनि अल्काली हैलाइड्स बड़ प्रिपरेशन एंड प्रोपर्टीज अफ इथाइल आयोडाइड त्यसैगरी हाम्रो लास्ट अब सकिसक्यो हो केमिस्ट्री को हाई यहाँ छ एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स बड़ स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन जान्नु पर्यो प्रिपरेशन अफ बेन्जिन इन द लैबोरेटरी र प्रोपर्टिज अफ बेन्जिन। अब यह भिडियो अपलोड करने बितीक म चाँडो भन्दा चाँडो इंग्लिश को सिलेबस कवर गरिहाल्छु र म त्यसको प्लेलिस्ट हाम्रो आईयू प्रिपरेशन आईयू गाइडेन्स 2079 को प्लेलिस्ट नै म यहाँ डिस्क्रिप्सन में राखिदिन्छु एकदम धेरै युजफुल र हेल्पफुल भिडियोहरु छ है यदि तपाईलाई निकै नै युजफुल हेल्पफुल भयो भने प्लिज 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 च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला है जसले गर्दा चाहिँ म मोटिभेट हुन्छु। अब म यो टपिकहरु चाहिँ यो सिलेबस अनुसार चाहिँ डिस्कस गर्दै पनि अब कति भ्याइन्छ हैन भरिसक सबै कभर गर्न खोज्छौं हैन मज्जाले बुझ्ने गरी डिस्कस गर्दै जान्छौं है तपाईहरुको कमेन्ट म पिक गर्दै त्यहाँबाट म हजुरहरुको समस्याहरु पनि मैले जानेको बुझेको सोल्भ गर्दै दिनेछु हैन सोल्भ गर्न हेल्प गर्नेछु।
हस् त तपाईको साथीसम्म पनि यो भिडियो पुर्याइदिनु होला जसले चाहिँ आइओयू प्रिपरेसन गर्दैछ।